अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खजर हयात, दी पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर ऑफ ओ लेवल्स। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आज जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है वो हमारे पेपर 1 2 0 5 9 1 हिस्ट्री से रिलेट है। स्टूडेंट्स को हमेशा से ये डाउट रहता है बच्चों कि हाउ टू सॉल्व द हिस्ट्री पेपर, बिकॉज इट्स कंप्राइज्ड ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 and particularly having the three components, that is 4 marks question, 7 marks question and 14 marks question. So basically student, there are some techniques to solve the questions. हमेशा से बच्चों को ये doubt रहता है कि 4 marks का question जब आ जाए तो उसको कैसे attempt करना है, 7 marks के question को कैसे attempt करना है और 14 marks के question को कैसे attempt करना है। तो आज की class के अंदर हम इसी चीज़ को focus करेंगे and I hope that it will clear all your confusion regarding the paper solving. ठीक है, history जैसे कि हमें पता है कि you have to remember the core score, that is O levels for O levels 20591, और अगर IGCSE की हम बात करेंगे 04481 होगा हमारा। First we are going to discuss about the 4 marks question. सबसे पहले जो हमने discuss करना है वो अपने 4 marks के question को करना है। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है और इसको कैसे सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज हैव अ डायरेक्ट फॉर्म। 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। वॉट इज मीन बाय द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपसे डायरेक्ट ही वॉट से स्टार्ट होगा या फिर डिस्क्राइब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपसे टू द पॉइंट बात की जा रही होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज सती एंड व्हाट वाज अफगान मिरेकल। तो इसको सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स, आपने जो बातें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि ये एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरा आपने इसको कॉम्प्रिहेंड वे के अंदर सॉल्व करना होता है, और थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज इट इज पॉइंट बेस्ड। पॉइंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपने इसके अंदर 4 रेलेवेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है और हर एक रेलेवेंट पॉइंट का 1 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, दैट इज 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस किया कि 4 रेलेवेंट पॉइंट होंगे, उनको आपने डिस्कस करना है जिसकी बिहाफ पे आपको एग्जामिनर 4 मार्क्स अवॉर्ड करेगा। वो 4 रेलेवेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्या वो रैंडमली किया जाए या फिर वो कोई पर्टिकुलरली कोई एक वे है उसका। देखें स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, 14 मार्क्स का क्वेश्चन और 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये एक अपने हिसाब से एक टफ तो होते हैं, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि द 4 मार्क्स क्वेश्चन विल बी टफ अमंग ऑल। क्यों? 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपने एक समराइज्ड वे के अंदर अपना आंसर देना होता है और एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना होता है। जब भी आप पेपर करेंगे तो आप ये सोच के पेपर करेंगे कि एग्जामिनर जो है वो कुछ नहीं जानता उस चीज़ के बारे में जो आपसे वो पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए इन विच यू विल समराइज ऑल द कंटेंट एंड प्रेजेंट योर कंटेंट इन अ वेरी समराइज्ड वे एंड इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यू हैव टू सेटिस्फाई द एग्जामिनर। ठीक है, वो 4 रेलेवेंट पॉइंट क्या होंगे बच्चों, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है उसके अंदर कोई अगर पर्टिकुलर डेट मेंशन है तो आपने उस डेट को लाजमी जो है वो लिखना है, अगर डेट नहीं है तो उस चीज का उस इवेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपने ये डिस्कस करनी है और ये अपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई उस चीज़ से रिलेट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो आपने उसका नाम मेंशन करना है। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर लॉर्ड डेलहाउजी है, उसका नाम लाजमी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चैप्टर 7 से अफगान मूवमेंट की हिजरत मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हिजरत मूवमेंट के लिए कॉल किसने दी थी, अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल बारी ने, मौलाना अब्दुल बारी, तो उनका नाम जो है वो लाजमी यहाँ पर आएगा। सो सेकेंड थिंग कि कौन है उस पर्सनैलिटी, कौन है उसके पीछे, उसका नाम मेंशन होगा। और तीसरे में आप बताएंगे कि बेसिकली वो चीज़ है क्या।
ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि व्हाट का मतलब क्या है। और फोर्थ के अंदर स्टूडेंट्स आपने लाजमी ये बात समराइज करनी है कि वो जो चीज़ है या वो इवेंट है उसका जो है आउटकम क्या निकलता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है या उसका रिजल्ट क्या होता है। सो दीज ऑल फोर थिंग्स विल मेक योर आंसर रेलिवेंट एंड स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर मिसिंग एनी थिंग फ्रॉम दैट, इट्स मीन दैट द एग्जामिनर विल नॉट अवॉर्ड यू द फुल मार्क्स। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, दैट इज वॉट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब मैंने आपको बताया था चार चीजें आपने अपने दिमाग के अंदर पहले ही बना लेनी है। ईयर हमने डिस्कस कर लिया 1852। हु मतलब कि कौन इसके पीछे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ऑब्वियसली लॉर्ड डलहौजी। एंड थर्ड थिंग वॉट हैपेंड, कि ये लॉर्ड ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे बेसिकली ये था क्या। तो स्टूडेंट आपने इसके अंदर बता दिएगा, इफ ए स्टेट रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर हिज लैंड विल कम अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि बेसिकली एक लॉ था ब्रिटिश का, ये एक ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि अगर कोई राजा या महाराजा जिसका कोई बेटा नहीं है अगर वो मर जाता है तो उसकी लैंड जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो ये तीन चीजें डिस्कस कर ली। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये आपने डिस्कस करना है कि ये आउटकम क्या हुआ उस इवेंट का या उस चीज का आउटकम क्या है। तो हमने यहां लिखा है कि जो ब्रिटिश की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसका ऑब्वियसली क्या रिजल्ट था, कि द पीपल वर एंग्री, द पीपल वर स्टार्ट थिंकिंग दैट द ब्रिटिश आर ग्रीडी लैंड ग्रैबर्स। सबकॉन्टिनेंट के लोग ये समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश है उनका सारा का सारा मोटिव क्या है, वो आपकी जो लैंड है उसको यूजर्प करना, ग्रैप करना उसको। तो उसके नतीजे में जो स्टेट्स वर एनेक्स्ड एंड हेटर टूवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड। तो ये बेसिकली जो हमारा एक आंसर था। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपसे पूछा गया था बच्चों, आपने इसमें सारी चीजों को समराइज कर दिया है। ठीक है, ईयर हु व्हाट एन आउटकम, होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो हमारे 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के जो मिसकंसेप्ट होते हैं इसके अंदर वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट के आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और इसका प्रॉपर वे भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज आपने समझनी होगी कि इट ऑलवेज स्टार्ट विद वाई, ये हमेशा वाई से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वाई EIC बिकेम इन्वॉल्व्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, वाई बंगाल वाज पार्टीशन्ड, वाई जुल्फिकार अली भुट्टो अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1979। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या मिसकंसेप्ट्स थे स्टूडेंट्स के और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनकी। दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन और प्लस एक्सप्लेनेशन। ये आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसको मैंने मजीद यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन प्लस एक्सप्लेनेशन मींस यू नीड टू सिलेक्ट मिनिमम 3 आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से रीजन एंड एक्सप्लेन ईच इन पैराग्राफ। और कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो होती है इसको जो है वो हमने ऐड तो किया है यहां लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको बताने के लिए कि ये क्या है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग होगा आपसे, वो वाई करके जब पूछ रहे तो ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ रीजनिंग। ठीक है, वो आपसे रीजंस रिक्वायर कर रहे हैं। इसके लिए आपने 3 रेलेवेंट पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड के अंदर सोचने और कंसिडर करना है और उन 3 रेलेवेंट पॉइंट्स को आपने पैराग्राफ वाइज उसको एक्सप्लेन करना है। मीन्स 1 रेलेवेंट पॉइंट यू हैव टू मेक अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन फॉर दैट। 2nd रेलेवेंट पॉइंट अगेन यू हैव टू मेक अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन फॉर दैट। 3rd रेलेवेंट पॉइंट सेम गोज विद दैट ऑल्सो। सो दिस इज द एक्चुअल मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी आउटलाइन प्रिपेयर की है, जैसे हमने इस वाली स्लाइड के अंदर ये वाला क्वेश्चन कंसिडर किया है कि वाई EIC बिकेम इन्वॉल्व इन द सबकॉन्टिनेंट। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व हुई सबकॉन्टिनेंट के अंदर, क्यों आई वो। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सबसे पहले बता दिया कि भाई टू गेन एडवांटेजेस फ्रॉम ट्रेड, जो ब्रिटिश जो ट्रैवलर्स थे जब वो होके गए थे एशिया से, सब कॉन्टिनेंट से, तो उन्होंने जाके बताया था कि भाई हम एक ऐसी ज़मीन से आए जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है। ठीक है, अब तीन रेलेवेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा था कि तीन रेलेवेंट पॉइंट आपने अपने माइंड में कंसिडर करने हैं और उनको मज़ीद जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। देखो, सबसे पहले रेलेवेंट पॉइंट जो मैंने कंसिडर किया वो ये है कि टू पुट ब्रिटिश आउट, एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगेन रिपीटिंग सॉरी, टू पुश ब्रिटिश एनिमीज आउट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहला क्या एक मोटिव था ब्रिटिश का जो मेरे जहन में आया है सॉल्व करते हुए, वो ये था कि भाई ब्रिटिश जो है वो अपने राइवल्स को जो है वो आउट करना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा कि ब्रिटिश जो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को वो स्प्रेड करें सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और तीसरी चीज़ जो उनका मेन मोटिव था, टू कलेक्ट दी वेल्थ, अच्छा खासा जो है वो माल कमाना सब कॉन्टिनेंट से। ठीक है, अब ज़रा इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरे ही अपने नोट्स हैं जिसके अंदर से मैंने एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाया है कि किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द ईआईसी बिकम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखें, बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन ये होता है, एक बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सवाल का इंट्रोडक्शन लिखना है या नहीं, मतलब कि एक बैकग्राउंड हमें ईआईसी का बताना है या नहीं, या उस चीज़ का बैकग्राउंड हमें बताना है या नहीं जो सवाल के अंदर पूछी गई है। सबसे पहले स्टूडेंट एक बात याद रखें कि एग्जामिनर आपसे पूछ कह रहा है कि व्हाई डिड द ईआईसी बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट। वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि ईआईसी इन्वॉल्व क्यों हुई थी, वो आपसे कोई बैकग्राउंड नहीं मांग रहा इसका। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और ईआईसी का लंबा चौड़ा वो जो इंट्रोडक्शन दे देंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं एक एक पैराग्राफ को, तो इट्स मीन दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ सिंपल सा आएगा कि ईआईसी इन्वॉल्व्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, दैट्स इट, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। असल चीज आपके तीन रेलेवेंट पॉइंट के बनाए गए तीन पैराग्राफ हैं, ये वर्थ करते हैं, ये मैटर करते हैं। एग्जामिनर विल नॉट फोकस ऑन योर इंट्रोडक्शन। सो इफ यू आर राइटिंग इन अ बल्की वे, डजंट इवन मैटर दैट यू आर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन इन 5 to 6 or 10 lines, इट वोंट बी कंसीडर्ड एट ऑल, बिकॉज मेन मोटिव के आपने रीजन बताने। तो बच्चों, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी तीन चीज़ें, कि ब्रिटिश जो अपने राइवल्स को आउट करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे और वेल्थ गेन करना चाहते थे, इन्हीं को मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि ये किस तरीके से मैंने उन एक एक पॉइंट को पूरा कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, तो आपने मैक्सिमम थ्री पैराग्राफ जो हैं वो देने होते हैं, और 3 पैराग्राफ की बिहाफ पे ही एग्जामिनर आपको 7 मार्क्स के जो है वो अवार्ड किया जाएगा करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप, अब ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इंट्रोडक्शन इतना कंसीडर नहीं होता है, असल चीज़ वो आपसे वाई पूछ रहा है, तो आप 3 रीज़न दे दीजिए उसको जो वो पूछ रहा है, और हर रीज़न को आप टारगेट कीजिए, 5 to 6 लाइन का एक पैराग्राफ आपका जाएगा। अब बात जो मैंने आई थी यहाँ कंक्लूजन की बेटा, जो मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन अब मैं उसके बारे में एक और चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि देयर विल नॉट बी एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट इन 7 मार्क्स क्वेश्चन। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कोई कंक्लूजन आप यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर लिखना ही है कंक्लूजन, तो एक लाइन का जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, वो एक लाइन का कंक्लूजन भी दे दीजिए कि ड्यू टू अबव रीजंस द ईआईसी इन्वॉल्व इन द सबकॉन्टिनेंट, दैट इज इनफ। You don't have to write a paragraph or 2 paragraph of the conclusion. It won't even matter. ठीक है, बेसिक चीज, बेसिक लाइफ 7 मार्क्स के क्वेश्चन की, ये 3 relevant point के 3 paragraph होते हैं। असल लाइफ ही यही है 7 मार्क्स के क्वेश्चन की, इसी को फोकस कीजिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब जरा आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिससे बेतहाशा स्टूडेंट्स को भाई एक कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है क्वेश्चन, इसको कैसे सही तरीके से किया जाए, क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें कि हमारा आंसर जो है वो एक मैक्सिमम मार्क अचीव कर सके। तो बेसिकली मैंने स्टूडेंट ये 10 मार्क्स का और 14 मार्क्स का क्वेश्चन साथ एक्सप्लेन करना है,
ये मैं साथ एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो सेक्शन ए के अंदर आपके पास आया हुआ होता है और 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो सेक्शन टू में आए हुए होते हैं, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज सेम होती है। सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस होता है, बाकी बॉडी लैंग्वेज इनका पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने देखा, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है आपके पास सोर्स के अंदर, तो उसका भी पैटर्न 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह ही होता है। चलिए जी, 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हम जरा देख लें कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन कितने परसेंट ऑक्यूपाई करता है आपका पेपर। 50% ऑक्यूपाई कर रहा होता है, मीन 75 मार्क्स का जो टोटल पेपर होता है उसमें 38 जो होते हैं आपके इन्हीं की चीजों के होते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा हम आते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है और 15-18 मार्क्स जो होते हैं आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर होते हैं, फॉर ईच 14 मार्क्स क्वेश्चन। ये मिनट्स में लिखना चाह रहा था, यहां पर एक करेक्शन होगी स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये 15-18 मिनट्स है, ये मैंने गलती से इसको मार्क्स कर दिया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 15-18 मिनट्स आपको रिक्वायर होते हैं एक एक 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बच्चों, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मैटर टाइम मैनेजमेंट कर रही होती है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली वेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर टाइम बताया कि आपने किस क्वेश्चन को कितने टाइम देना है। तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपने टारगेट 15 मिनट्स ही करने हैं। ठीक है, 15 मिनट्स टारगेट कीजिएगा, 15 मिनट्स के अंदर आपने 14 मार्क्स का क्वेश्चन अलॉट अटेम्प्ट करना है। 250 से 300 वर्ड्स जो है वो आपने 10 मार्क्स के लिए लिखने होते हैं और इससे 50 वर्ड्स ज्यादा 300-350 जो है वो 14 मार्क्स के लिए लिखने होते हैं। पैटर्न दोनों का सेम होता है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ दिस। इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने 4 हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया है ताकि आप मजीद बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। पहला पार्ट हमने दे दिया है भाई इंट्रोडक्शन को। अच्छा जी स्टूडेंट, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन को अवॉइड किया था, निग्लेक्ट किया था, अब हम उसको यहां पर जो है वो ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज हमारी आती है पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, तीसरी चीज है पॉइंट ऑफ निगेशन एंड चौथी चीज है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। अच्छा बच्चों, अब ये चीजें देखनी है कि ये पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है और पॉइंट ऑफ निगेशन क्या होता है। असल 14 मार्क्स के क्वेश्चन की जो जान होती है वो 2, 3, 4 पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपकी ले ली है। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस और निगेशन को मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल मैंने ले ली है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि वॉज द इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा बच्चों, 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा होता है। एग्जामिनर आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है और उसके साथ वो पूछता है कि आप इस चीज से अग्री करते हैं या नहीं करते, अपना आंसर दीजिए। ठीक है, जैसे इसके अंदर भी उसने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि वॉज द इशू ऑफ ग्रीस कार्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ग्रीस कार्टेज का इशू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, उसने आपसे पूछा है, अपनी स्टेटमेंट दी और आपसे पूछा है। तो बच्चों, अब ये जो चीज है पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपका सबसे पहला जो, देखें इंट्रोडक्शन आपने बता दिया, पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस के मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट दी है आपने सबसे पहले उस स्टेटमेंट के साथ डील करना है। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि पहले आपने एग्जामिनर की दी हुई स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हुए उस चीज से रिगार्डिंग लिखना है। और इस क्वेश्चन के अगर अंदर में देखूं तो मेरा पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस किससे रिलेट होगा? ग्रीस कार्टेज से रिलेट। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा 6-7 या 8-9 लाइंस के अंदर। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ निगेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ निगेशन का मतलब ये होता है कि अब आप एग्जामिनर की दी हुई स्टेटमेंट के अलावा फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है, कि उस चीज के अलावा क्या फैक्टर्स थे। ठीक है,
उस चीज के अलावा क्या फैक्टर्स थे बच्चों, जरा हम देख लेते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिर्फ ग्रीस कार्टेज का इशू नहीं था, ग्रीस कार्टेज के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एक वजह बनी थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, ब्रिटिश सिपॉयज जो थे उनको ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी, जो वाइट सोल्जर्स थे देवर कंसीडर्ड एज मोर सुपीरियर देन द इंडियन सिपॉयज। फाइनेंशियल क्राइसिस थे बेटा, इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो एक हमने अभी डिस्कस किया है कि वो एक लॉ बना दिया गया था कि राजा महाराजा की लैंड जो वो ब्रिटिश की हो जाएगी। दूसरी चीज़ के रिलीजियस अटैक हो रहा था इंडियंस पीपल के ऊपर, कि उनकी जो क्रिश्चियनिटी थी उसको स्प्रेड किया जा रहा था और हिंदूज और मुस्लिम्स को उनके रिलीजन से भी महरूम किया जा रहा था। और इसी के साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो थी वो बैन कर दी गई थी। जैसे हम देखेंगे कि सती जो थी एक रस्म थी हिंदूज की, इन विच दे कंसीडर दैट अ वाइफ हैज़ टू बी बर्न विद हर डैड हस्बैंड, कि वो एक वेमेन को भी जो है वो बर्न करते थे उसकी डैड हस्बैंड के साथ के, अब जो एक रस्म थी। तो ब्रिटिश ने उसको भी बंगाल के अंदर पहले बंद किया था, फिर उसके बाद ओवरऑल इंडिया उस बैन कर दिया गया था। तो ब्रिटिश जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सती को बैंड किया था। तो सती बैंड हुई थी इसकी वजह से जो हिंदूज थे देवर क्रिटिसाइजिंग ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट दे डोंट हैव एनी राइट्स टू जंप अमेट द रिलीजन ऑफ अस। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको किस तरीके से डिफाइन करना है। अब आप सबसे पहले जो है वो एग्जामिनर की दी हुई स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और वो आपका पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस बनेगा। अब जो है वो आप पॉइंट ऑफ निगेशन के अंदर इनमें से किसी तीन फैक्टर्स को कंसीडर करके एक एक पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। बेटा ये नेसेसरी नहीं होगा कि आपने ये सारे पॉइंट्स को ही कंसीडर करके लिखना है, नहीं, आप इनमें से कोई मैक्सिमम फोर पॉइंट्स कंसीडर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज कर लें, ब्रिटिश सिपॉयज कर लें, फाइनेंशियल क्राइस कर लें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लें। और अब सिर्फ इनको आपने लिखना नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी का पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है, ब्रिटिश का पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है, फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेट आपने एक्सप्लेन करना है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से रिलेट एक्सप्लेन करना है। ये चार रेलेवेंट पॉइंट्स एक एक पैराग्राफ के अंदर आएंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है एनालिसिस की, कि एनालिसिस आपने कैसे करना है और वो किस तरीके से होगा एनालिसिस, ठीक है। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, और ये आपका कंक्लूसिव जो एलिमेंट होता है ना, ये आपके आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपने एग्री किससे किया है। अब बेटा ये आप कैसे लिखेंगे, अब आपका कंक्लूजन ऐसे होगा कि देखें अगर आप डायरेक्ट कंक्लूजन दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आई एग्री विद द निगेशन पॉइंट, नो इट वोंट बी कंसीडर्ड। अगर आप कंक्लूजन के अंदर लिख रहे हैं कि आई एग्री विद द एक्सेप्टेंस, नो इट नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपने अपने कंक्लूजन को बना के लिखना है। और आप कैसे लिखेंगे कि अगर आप ब्रिटिश एग्जामिनर की दी हुई बात से अग्री करते हैं और आप भी यही समझते हैं कि ग्रीस कार्टेज जो मेन इशू था, तो आपका कंक्लूजन ग्रीस कार्टेज को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपका जो एक साइड है, आप अगर इसको एग्जामिनर के अलावा स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होने के लिए, तो आपका जो कंक्लूजन होगा बच्चों वो जो है वो नेगेशन के साथ जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो थी आपने हमने देखी 14 मार्क्स के क्वेश्चन के रिलेट। इसके बाद आपके पास स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट ऑफ अटेम्प्टेशन क्या है, कि आपका आंसर कैसे स्ट्रांग होगा और कैसे वीक होगा। तो सबसे पहले स्ट्रांग अगर आप आंसर 14 मार्क्स से क्वेश्चन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्टेटमेंट से रिलेट जो एग्जामिनर की है, एक्सेप्टेंस जो होगी। और दूसरी चीज आपने बोथ पॉइंट ऑफ व्यू को टच करना है, ठीक है, दोनों साइड की बात करनी है, एग्जामिनर की दी हुई स्टेटमेंट को भी डिफाइन करना है और अपने अदर फैक्टर्स को भी डिफाइन करना है। तीसरी चीज आपके प्रॉपर फैक्ट के साथ चीजें मौजूद हों, जो आप लिख रहे हैं उसकी डेट मेंशन हो, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसके पीछे अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो उसका भी तस्करा बीच में हो। मीनिंगफुल होनी चाहिए, इररेलेवेंट चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, अपनी तरफ से आप नहीं लिखेंगे चीज़ों को, जो चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं है, जो चीज़ें आपके नोट्स के अंदर नहीं है, तो आपने उसको फजूल तरीके से बनाने की कोशिश नहीं करनी है बेटा, प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और एवेल्यूएशन और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं लेकिन एंड का कंक्लूजन वो छोड़ देते हैं। तो बच्चों अगर आप एंड का कंक्लूजन छोड़ देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मार्क्स आप गवा देंगे अपने, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको 14 में से सिर्फ 8 मार्क्स देके ही फारिग कर देगा,
ठीक है। और वीक पॉइंट्स के अंदर क्या है, आपका आंसर कैसे समझा जाएगा कि आपने बहुत ही वीक अटैम्प्ट की है, वो ये कि आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिसिंग होगा, आप एग्जामिनर की स्टेटमेंट को तो कोई कंसीडर ही नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपने वन साइडेड अगर स्टोरी लिखी हुई है कि आपने एग्जामिनर की स्टेटमेंट से रिलेट कोई बात नहीं की है और आप अदर फैक्टर्स ही सिर्फ बता रहे हैं, तो बेटा आपका आंसर वीक है बहुत, आप हाफ ही मार्क्स गेन कर पाएंगे उसके। वीक एक्सप्रेशन, वही चीज़ आ गई, आपने इररेलेवेंट बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं अपनी तरफ से, एक आंसर को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आपने अपनी तरफ से ही एडिशन की हुई है। और लास्ट में आपने सोने पे सुहागा ये किया हुआ कि आपने कंक्लूजन भी नहीं दिया हुआ। सो दीज थिंग कंट्रीब्यूट इन द वीकनेस ऑफ योर आंसर। सो स्टूडेंट, के आज की वीडियो के अंदर मैंने इसी चीज़ को कंसिडर किया है कि जो बहुत सारे मिसकनसेप्ट थे स्टूडेंट्स के और बहुत सारी कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग सॉल्विंग ऑफ हिस्ट्री, तो आज मैंने वो डिस्कस की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी इस एफर्ट को, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, इन अल्लाह हाफिज़।